शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब हम रेजन आर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हमारी हर चीज परफेक्ट बने। जैसे कि मेरे पास ढेर लगा हुआ था पुराने कोस्टर्स का, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना इनको यूज करके हम बहुत सुंदर से कैंडल होल्डर्स बना ले। तो यहाँ हम बनाएंगे टी लाइट होल्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पास ये कुछ कोस्टर्स पड़े हुए हैं और इनको आज मैं यूज करने वाली हूँ। चलो फटाक से अपनी करते हैं रेजिन को मिक्स। यहाँ पे रेजिन सिर्फ नाम मात्र के लिए यूज होगी, तो किसी भी रेशे वाली रेजिन को आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ मटेरियल आज मैं यूज करूंगी, इसमें कुछ क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं और टी लाइट होल्डर्स हैं। तो सबसे पहला कैंडल होल्डर बनाना मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं कांच के टुकड़ों को क्रिस्टल्स को मिक्स करूँगी रेजिन में। बिल्कुल थोड़ी सी रेजिन चाहिए बाइंडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए वरना इधर उधर बहना शुरू कर देगी। यहाँ पे मैंने येलो कलर मिक्स किया है, येलो पिगमेंट मिक्स किया है और अब मैं इसको अपने कोस्टर के चारों तरफ फैलाना शुरू कर दूँगी। इसे स्टोन से कवर कर दूँगी और बीच में हमारा कैंडल होल्डर रहेगा। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा कैंडल होल्डर भी तैयार कर लूँगी। यही पैटर्न में हम स्टोन्स को लगाएंगे। इसको और थोड़ा सा लुक को एनहांस करने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन फ्लेक्स का यूज कर रही हूँ। इसमें आप अपने मन से कोई भी कलर बना सकते हैं। मेरा कोस्टर ऑलरेडी येलो कलर का था तो मैंने सोचा येलो ही बना लें। और कैंडल होल्डर्स येलो कलर बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे कलर्स हैं। येलो, रेड, ऑरेंज, ये कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं जब भी हम कोई भी फेस्टिवल की डेकोरेशन करते हैं उसमें। तो सिमिलरली मैंने अभी दूसरा अपना कैंडल होल्डर भी बना लिया है। तो ये पहला सेट ऑफ कैंडल होल्डर हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा ग्लिटर भी डाल रही हूँ मैं गोल्डन कलर का। अब मैंने ये दूसरे कोस्टर्स लिए हैं जो कि वाइट कलर के हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टोन्स के साथ मिक्स किया है वाइट पर्ल पिगमेंट। इसमें मैं कोई भी ओपेक पिगमेंट नहीं डाल रही हूँ, मेरा काम काफ़ी हद तक हो ही जाएगा क्योंकि जो मेरे स्टोन्स हैं वो भी वाइट कलर के ही हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के हैं। तो मैं बेस में थोड़ी सी रेजिन लगा के इन कैंडल होल्डर्स को उसके अंदर चिपका दूंगी और साइड में सिमिलरली अपने स्टोन्स को फैलाना शुरू कर दूंगी। सेकेंड कैंडल होल्डर के लिए मैंने सोचा है कि थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर है, पर्ल पिगमेंट है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देने वाला है ये। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मैंने रेजिन बहुत ही कम यूज़ करी है, बिल्कुल नाम मात्र मैंने यूज़ करी है। अब मैं अपने पहले वाले पे कुछ ग्लिटर्स भी स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़े से ग्लिटर्स होंगे तो और ज़्यादा शाइनी लगेगा। और जो ब्रॉन्ज वाला है उसके ऊपर मैंने ब्रॉन्ज कलर का ही फ्लेक्स को लगाना चिपकाना शुरू कर दिया है और मैं इसको कॉर्नर्स पे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह इसको लगाऊंगी। अब हम करते हैं अपना थर्ड सेट ऑफ कैंडल होल्डर तैयार। इसके लिए मैंने ये वाले कोस्टर्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास प्लेन कोई और बचे नहीं थे और मुझे नीचे ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्रिलिक पेंट से इनको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ज़रूरत होगी। मेरे पहले वाले क्राफ्ट में से काफ़ी सारे फ्लावर्स बचे थे तो मैं उनको आज यूज़ करने वाली हूँ। तो बहुत ही थिन लेयर ऑफ हम एक बार रेजिन को पोस्टर्स के ऊपर डालेंगे। थोड़े से मैंने मोती भी यूज़ करें जैसा कि आप देख रहे हैं, और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। और भी कोई चीज़ आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही पतली लेयर ऑफ रेजिन लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं अपनी फ्लावर्स को चिपकाऊँगी। और भी अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो अब मैंने फ्लावर्स को अरेंज करना शुरू कर दिया है। कोई भी पैटर्न नहीं है, रैंडमली मैं फ्लावर्स को लगाए जा रही हूँ, नीचे का बेस पूरा फुली कवर हो जाए और मेरे फ्लावर्स थोड़े से सुंदर लगें। अभी फ्लावर लगाते हुए मुझे एक और आइडिया आया, इनमें सी शेल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। मुझे पहले अगर याद आता तो मैं ज़रूर उसको लेकर भी बनाती, पर फिलहाल अभी मेरे पास फ्लावर्स हैं तो मैं फ्लावर्स को लगा के बनाऊँगी। आप भी मुझे आइडियाज़ बताइए और कि और क्या किया जा सकता है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा अपना कैंडल होल्डर भी तैयार कर लिया है।
इसको हम पूरा एक दिन सूखने के लिए छोड़ेंगे। वैसे रेजिन बहुत कम यूज़ हुई है तो ये 12 घंटे में भी सूख जाएगा। नेक्स्ट डे मेरे कैंडल होल्डर्स ड्राई हो गए हैं, क्योर हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। सो गाइस, देखा आपने कितने ब्यूटीफुल से टी लाइट होल्डर्स हमने बनाए हैं पुरानी बच्ची कुची चीजों से। इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए हम इंटरेस्टिंग सी चीजें हर हफ्ते बनाते रहते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।